हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी। जितने भी आरआरबी एस्पिरेंट है दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों अभी अभी उस नोटिस में दोस्तों ये कहा गया है कि अभी भी रेलवे में 3 लाख वैकेंसी दोस्तों अभी भी खाली है। ठीक है दोस्तों, यार बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। दोस्तों यार, राज्यसभा के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों रेलवे को रिटर्न रिप्लाई मांगा गया था कि आप बताइए रिटर्न में किस रीजन में कितनी वैकेंसी खाली है। दोस्तों तो यार उसका दोस्तों रेलवे मिनिस्टर द्वारा अभी रिप्लाई दिया गया है दोस्तों आरआरबी के द्वारा, और उस रिप्लाई में दोस्तों ये कहा गया है कि अभी भी 3 लाख वैकेंसी दोस्तों रेलवे में वैकेंट है, अभी भी खाली है। दोस्तों हम दोस्तों आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि किस जोन में कितना वैकेंसी खाली है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज दिल से लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैंने पूरा चार्ट टेबल बना के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने दोस्तों जोन वाइज, ठीक है दोस्तों जोन वाइज, उसके बाद वैकेंसी गैजेट दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की बात करेंगे। दोस्तों वैकेंसी गैजेट में दोस्तों ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की वैकेंसी आएगी। उसमें बाद वैकेंसी नॉन गैजेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेंट्रल रेलवे की। यहाँ पे दोस्तों आरआरबी मुंबई आता है दोस्तों सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। यहाँ दोस्तों वैकेंसी ग्रुप ए एंड बी की बात करें तो यहाँ 56 वैकेंसी दोस्तों अभी भी वैकेंट है। उसके बाद दोस्तों ग्रुप एंड सी एंड डी की बात करें, यहाँ दोस्तों 27,170 वैकेंसी दोस्तों अभी भी वैकेंट है। कितनी भारी मात्रा में दोस्तों वैकेंसी वैकेंट है आप देख सकते हैं। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें दोस्तों और आरबी भुवनेश्वर की, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ए एंड बी में बात करें तो 87 वैकेंसी दोस्तों अभी भी वैकेंट है, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है दोस्तों। और 8,447 वैकेंसी दोस्तों सी एंड डी में अभी भी वैकेंट है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत आता है आरआरबी मुजफ्फरपुर एंड पटना। दोस्तों इसमें आरआर ग्रुप ए एंड बी में दोस्तों 170 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, और सी एंड डी की बात करें तो यहाँ 15,268 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में दोस्तों आरआरबी कोलकाता और मालदा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे 195 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में वैकेंट है, एंड सी एंड डी की बात करें यहाँ 28,204 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। मेट्रो रेलवे कोलकाता की बात करें दोस्तों तो यहाँ देख लीजिए ए एंड बी में 22 वैकेंसी दोस्तों अभी भी वैकेंट है, एंड सी एंड डी की बात करें यहाँ 856 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है। दोस्तों नॉर्थन रेलवे की बात करें दोस्तों, नॉर्थन सेंट्रल रेलवे तो यहाँ इलाहाबाद आता है दोस्तों। इसमें देख लीजिए 140 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में अभी भी वैकेंट है, और सी एंड डी की बात करें यहाँ 19,366 वैकेंसी दोस्तों काफी भारी मात्रा में यार यहाँ पर वैकेंसी वैकेंट है दोस्तों, देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद में दोस्तों। और अभी भी दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद में ही दोस्तों सबसे ज्यादा पोस्ट निकाले गए हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें दोस्तों, आरआरबी गोरखपुर इसके अंतर्गत आता है, तो इसमें देख लीजिए दोस्तों 62 वैकेंसी ग्रुप ए एंड बी में वैकेंट है, और 14,231 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप सी एंड डी में वैकेंट है। देख सकते हैं यार सी एंड डी में दोस्तों बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी वैकेंट है। नेक्स्ट जोन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जोन देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ पे देखिए दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी एंड सिलीगुड़ी इसके अंतर्गत आता है। इसमें देखिए ग्रुप ए एंड बी में दोस्तों 112 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, और वैकेंसी दोस्तों नॉन गेजेट की बात करें ग्रुप सी एंड डी में तो यहाँ देखिए 15,667 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। नॉर्थन रेलवे की बात करें दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ और थोड़ा सा दोस्तों जम्मू भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत देख लीजिए 115 वैकेंसी दोस्तों अभी भी वैकेंट है, और 37,436 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप सी एंड डी में अभी भी यहां पर वैकेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है आरआरबी अजमेर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ए एंड बी में बात करें 100 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है दोस्तों, और 15,449 वैकेंसी दोस्तों अभी भी ग्रुप एंड सी में यहाँ पर भी वैकेंट है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत आता है सिकंदराबाद, यहाँ देखिए दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में 43 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, और सी एंड डी की बात करें दोस्तों 16,741 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें दोस्तों, इनके अंतर्गत आता है बिलासपुर, बिलासपुर में देख लीजिए 88 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में वैकेंट है, और 9,422 वैकेंसी दोस्तों अभी भी ग्रुप एंड सी डी में वैकेंट है यहाँ पे। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें, यहाँ आरआरबी रांची, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी मालदा दोस्तों लगभग लगभग इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में 137 वैकेंसी वैकेंट है, और ग्रुप एंड सी एंड डी की बात करें यहाँ 16,847 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है।
उसके बाद साउथ रेलवे की बात करें दोस्तों, यहाँ आता है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में दोस्तों 161 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में वैकेंट है, और ग्रुप सी एंड डी की बात करें यहाँ 19,500 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ का जो जोन है दोस्तों, जो जिसमें जम्मू भी आता है, यहाँ पे दोस्तों अभी भी ग्रुप सी एंड डी में दोस्तों 37,436 वैकेंसी दोस्तों वैकेंट है। काफी भारी मात्रा में वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जोन की। देखिए दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पे आरआरबी बैंगलोर इसके अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए ग्रुप ए एंड बी में दोस्तों 65 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है। सी एंड डी की बात करें यहाँ 65-25 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है, मतलब 6,525 वैकेंसी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें दोस्तों, यहाँ इसके अंतर्गत आता है भोपाल। यहाँ देखिए ए एंड बी में बात करें तो 59 वैकेंसी वैकेंट है, और सी एंड डी की बात करें 11,073 वैकेंसी दोस्तों अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। वेस्टर्न रेलवे की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है इलाहाबाद। यहाँ दोस्तों 172 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप ए एंड बी में वैकेंट है, और 26,227 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप सी एंड डी में वैकेंट है। अदर यूनिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 507 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है दोस्तों ग्रुप ए एंड डी में दोस्तों बात करें, और दोस्तों 12,760 वैकेंसी दोस्तों ग्रुप सी एंड डी में अभी भी यहाँ पर वैकेंट है दोस्तों। अदर का भी दोस्तों इस टाइप का चार्ट दिया गया था आरआरबी के द्वारा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ग्रुप ए एंड बी में दोस्तों 2,292 वैकेंसी दोस्तों अभी भी वैकेंट है, और दोस्तों यहाँ पे बात करें ग्रुप सी एंड डी में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 3,806 पोस्ट दोस्तों अभी भी ग्रुप सी एंड डी में वैकेंट है दोस्तों। मतलब काफी भारी मात्रा में यार अभी भी यहाँ पर सीट वैकेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत ये मान के चलते हैं कि दोस्तों अभी भी लगभग लगभग एनटीपीसी में दोस्तों अभी भी जो भर्ती हो रही है उसमें तकरीबन 33 से 35 हज़ार के आसपास पोस्ट है दोस्तों। 1,03,000 के आसपास वो मान के चलिए दोस्तों, आप कहाँ किसको मान के चलिए, ग्रुप डी का वैकेंसी मान के चलिए, ठीक है। मिनिस्टर अंडर आइसोलेटेड दोस्तों जो अभी भी भर्ती चल रही है उसमें भी लगभग 1,615 के आसपास पोस्ट है दोस्तों। अगर आप सभी को भी जोड़ लेते हैं यार तो लगभग होता है 1,40,000 के आसपास दोस्तों, मान के चलिए इतना वैकेंसी अभी भी होता है यार। और दोस्तों टोटल यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 3,00,000 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, मतलब दोस्तों 1,60,000 के आसपास दोस्तों अभी भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, वैकेंसी वैकेंट है। मतलब सोचिए यार कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी अभी भी वैकेंट है दोस्तों। यार राज्यसभा के द्वारा दोस्तों जब सवाल पूछा गया था कि आप रिटर्न में रिप्लाई दीजिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो यार रेलवे मिनिस्टर के द्वारा दोस्तों ये रिप्लाई देखने को मिला दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इस टाइप का रिप्लाई देखने को मिला था, तो यार आप देख सकते हैं दोस्तों अभी भी वैकेंसी कितनी ज्यादा वैकेंट है। सो प्लीज पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा यार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।